जिन बच्चों का पेपर थोड़ा सा खराब हुआ है, हालांकि खराब आपके हिसाब से हुआ है, जो पेपर खराब हुआ है ना वो आपके हिसाब से हुआ है, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप डिसाइड नहीं करोगे। एक सेकंड, सॉरी बेटा, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि पेपर अच्छा हुआ है बुरा है, रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले जिन बच्चों का पेपर ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कतें हैं, कोई प्रॉब्लम है, घबराइए मत यार, टेंशन मत लीजिए। अरे तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? जिंदगी में बहुत है आज चीजें, अपॉर्चुनिटी बहुत आएंगी। मुझे पता है कुछ समय का दर्द है, आप सोच रहे होंगे कि सर आपको क्या पता दर्द क्या चीज हो, मैं सब समझता हूं बेटा, मैंने बहुत फेलियर देखे, इतने तो अपनी पूरी उम्र में इंसान फेलियर नहीं देखता जितने मैंने अभी तक देख लिए। तो मैं समझ सकता हूं कि फेलियर होके और जब आप मेहनत करते हो दिन रात, एक तो होता है कि सर मेहनत ना की होती तो कोई दर्द नहीं है, सर आपको क्या बताएं, जब दिन रात मेहनत करते हैं ना सर, आपके साथ दो दो बजे तक बैठे ना, उसके बावजूद भी अगर थोड़ा ऐसा हो तो बहुत बुरा लगता है सर। मैं समझता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खुद खड़ा रहा वहां पे, मैं समझता हूँ कि जब 12 घंटे मैं यहाँ खड़ा रहा तो मेरे पैरों में भी दर्द था, तो तुम बैठे थे तुम्हारी आंखों में भी दर्द था, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप में एबिलिटी नहीं है। अरे यूं तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी बाहर निकाल दिया था तो लोगों ने उन्हें भी कहा होगा कि तेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है, लेकिन आए ना वापस और तीनों सेना के मालिक बन के आए, तो आप ये नहीं कह सकते कि टैलेंट नहीं है तुम्हारे अंदर। तो मैंने पहले दिन कहा था तुम वो हाथी हो जिसको सिर्फ इतना बताना है कि बेटा तू हाथी है, इस जंजीर में थोड़ा सा पैर मार ये टूट जाएगी। तो तुम्हारे अंदर तो हर किसी के अंदर वो हाथी छिपा हुआ है, बहुत टैलेंट है बेटा। और जो बच्चा मेरे साथ 8-8, 12-12 घंटे बैठ सकता है ना, तो यार उसके तो टैलेंट को मैं सैल्यूट करता हूं कि आप इतना देर बैठे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आप ये एक बार कसम खाएंगे कि नहीं सर, अगली बार जो भी हम अटेम्प्ट देंगे ना, जिस भी चीज के लिए, फोड़ देंगे उसको, जैसा इस बार हम पेपर देखे आए थे। मुझे पता है सारे बच्चों का इंग्लिश बहुत अच्छा गया, शायद कुछ लोग मुझे ये भी कहेंगे कि गलत गया, खराब गया, या कुछ लोग बोलेंगे खैर कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता उन बातों से, आपने मेहनत करी आपका इंग्लिश बहुत अच्छा गया, किसी को रीजनिंग ने धोखा दिया तो किसी को मैथ्स ने धोखा दिया। लेकिन प्यारे बच्चों इसका ये तो मतलब नहीं बनता ना कि आप निराश हो जाए। भाई मैं स्पेशली आज उन बच्चों के लिए आया हूं कि बच्चों निराश नहीं होना, जीवन बहुत बड़ा है। कई बार मेरा भी मन ऐसा करता था, मैं आपको अपनी पुरानी थोड़ी सी कहानी बताऊं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर क्या बकवास कर रहे हो, प्लीज अगले बैच के बारे में बताइए। मैं अगले बैच का भी बता देता हूं कि 25 नवंबर तक तो बेटा कोई क्लास नहीं है, 25 नवंबर के बाद मैं आगे स्टार्ट करूंगा जैसा रॉबिन सर ने बताया है। लेकिन प्यारे बच्चों मैं थोड़ा सा केवल उन लोगों से उनसे बात करना चाह रहा हूं क्योंकि मेरा मन बार बार नहीं मान रहा, मैं उन बच्चों से एक बार बात करना चाहता हूं। बेटा ऐसा मन किया था जब मैं भी अपने फेज अभी की तरह था तो कई बार बहुत मन करता था, बोलता कि यार सुसाइड कर लूं और मैं कुछ छोड़ के चला जाऊं, घर छोड़ के चला जाऊं, सुसाइड कर लूं, मैं ये कर लूं, ये जब फेलियर होते थे। मैं कई बार SSB जाता था, कभी स्क्रीनिंग आउट हो जाता था, कभी कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता था। तो वो दर्द आप समझ रहे होंगे कि आप तो जानते हैं उस फेज को, तो मैं बहुत परेशान होता था, रोता था बैठ के, अकेला भी रोता था, कई बार कोई सुनने वाला नहीं होता था। मैं तो आपके बड़े भाई की तरह खड़ा हुआ हूं, आप मुझे सुना सकते हैं, मेरी कोई सुनने वाला नहीं था बेटा। तो मैं सोचता था कि काश कोई मेरा बड़ा भाई होता और मुझे वो समझा, काश वो भी मैं उसके कंधे पे सर रख के। ऐसा मैं बहुत बार सोचता था बेटा उस समय पे। विश्वास से सारे के सारे बच्चे थोपते रहेंगे, सारे के सारे बच्चे लाइक और शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए।